Assalamu alaikum class. How are you all? I hope everybody is fine. You are most welcome to English language and learning and you are in your class of uh, third year English BA part 1 and we are going to study uh, story The Necklace. It is written by Guy D. Maupassant. And in this video I will make you understand the story, the structure of the story, the events of the story and the plot of the story. आई होप आप सब रीडिंग कर चुके होंगे सो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड यू द टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द राइटर ऑफ द स्टोरी गाए डी मापसा इट इज ही इज अ ग्रेट फ्रेंच नावलिस्ट एंड अ ग्रेट स्टोरी टेलर ही राइट्स अबाउट ह्यूमन लाइफ्स हैप्पीनेस ह्यूमन लाइफ्स रियलिटीज एंड हाउ दे आर प्रजेंटेड इन दिस लाइफ इंसान की हकीकत जो है और उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस प्रेजेंट करता है इन दिस स्टोरी ही आल्सो टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ लेडी द स्टोरी ऑफ अ वेमेन हु जस्ट कंसिडर हर सेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी अट्रैक्टिव अ वेरी वंडरफुल लेडी इन दिस वर्ल्ड जो अपने आप को बहुत खूबसूरत बहुत uh, पुरशिश और इतनी इंपॉर्टेंट समझती थी कि द वर्ल्ड इज़ मेड फॉर हर हैप्पीनेस आर मेड फॉर हर द लग्जरियस थिंग्स ऑफ लाइफ आर मेड फॉर हर उसे लगता था कि जिंदगी की हर खूबसूरत चीज़ उसके लिए बनी है और वो जो है खूबसूरत चीज़ों के लिए है खूबसूरत घर ब्यूटिफुल कर्टन्स बहुत खूबसूरत डिशेस, खाने हर चीज़ उसके लिए बनी हुई है ऑल दो शी वॉज ब्यूटिफुल वो खूबसूरत थी But unfortunately, she was born in a clerk home. unke father was a uh, government ki job. Meagre resources. And uh, there was uh, a house like a flat. And they have to do all the household work. They had no servants. But instead of all these circumstances, she used to dream a life of wonders. Where there would be a large house. Long rows of attendants, servants, beautiful dresses, beautiful jewellery and everything. But consequently and unfortunately, she was forced to marry a clerk. a clerk se shadi karna padhi. jahan uski life jo hai, it was a middle class life. वो हाई क्लास हाई स्टैंडर्ड लाइफ के ख्वाब देखती थी लेकिन उसे मिडिल क्लास ज़िंदगी जो है गुजारनी थी और वो मजबूर थी ये ज़िंदगी गुजारने बट शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद हर लाइफ क्योंकि उसके जो ख्वाब थे दे वर वेरी हाई वो बहुत ऊँचे थे वो खूबसूरत चीज़ों के ख्वाब देखती थी बट शी हैड नो जावल्स नो ज्वेलरी नो डायमंड नो ब्यूटिफुल ड्रेसेस उसके हस्बैंड जो कि मिस्टर लॉयजल एक क्लर्क थे ही वॉज वेरी हैप्पी एंड कंटेंटड विद हज़ लाइफ वो अपनी लाइफ से बहुत कंटेंटेड बहुत खुश थे और वो चाहते थे कि उनकी वाइफ जो है वो भी साथ में खुश रहे बट एज शी वॉज सो मच वेन सो मच प्राउड ऑन हेयर हर ओन सेल्फ यानी कि उनकी जो इतनी मेटेल्डा ये द नेम ऑफ दैट लेडी इज मेटेल्डा मिसज लॉयजल वो इतनी सेल्फ कंसीटड और इतनी प्राइड लेडी थी कि उसे अपने अलावा कुछ नहीं नज़र आता था और वो बहुत खूबसूरत ही चीज़ों के ख्वाब रहती थी वो, वो रियलिटी में नहीं जीती थी शी वॉज़ नॉट एक्चुअली लिविंग इन रियलिटी उसे हकीक़त से दूर ख्वाबों की दुनिया बहुत पसंद थी और वो वहीं पर रहती थी उसे हमेशा लगता था कि वो बहुत ब्यूटीफुल है और ख़ूबसूरत लोग खूबसूरत चीज़ें उसके लिए बने हैं वो उसके आगे पीछे फिरते रहे और इन तमाम चीज़ों में उसे सेल्फ़ जो डप्रीवेशन है और फीलिंग्स ऑफ डप्रीवेशन है एहसास महरूमिया वो बहुत ज़्यादा होता था उसकी एक फ्रेंड थी दैट यूज़ टू बी विद हर इन हर कॉन्वेंट स्कूल जो कि बहुत रिच थी वो उससे मिलना पसंद नहीं करती थी क्योंकि उससे मिलने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती थी बिकॉज शी वॉज वेरी रिच और उसकी जो रिचनेस है उससे वो मरूब हो जाया करती थी एक दिन क्या होता है उनकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है जब मिस्टर जो है मेटेल्डा के लिए एक इनविटेशन लाते हैं टू तो द बॉल पार्टी दैट बॉल पार्टी इज बाय मिनिस्टर एट हिज ओन हाउस मिस्टर इज वेरी मच हैपी टू हैव दिस इनविटेशन बिकॉज ही टेल्स हिज वाइफ कि ऑल द होल फैमिली ऑफ क्लर्कूड गेट इट कि जितने भी क्लर्क हैं उन्हें ये इनविटेशन नहीं दिया गया है उसने तो बहुत मुश्किल से हासिल किया है तो आई वॉज श्योर कि यू मस्ट बी हैप्पी बिकॉज यू हैव नो वेज़ टू इन्जॉय योर लाइफ सो यू मस्ट बी हैप्पी टू गेट इट बट वट हैपन मेटेल्डा ने इन्विटेशन कार्ड एक तरफ फेंक दिया एंड शी वॉज लाइक के मुझे क्या करना है वट आई विल डू टू विद हिम कि मुझे इसका क्या करना है और मैं इसका क्या करूँगी उसके हस्बैंड ने उसे कहा कि आप जो है इन्जॉय करेंगी खुश होंगी वहां पे बट आफ्टर अ अवाइल्ड उसने कहा कि आई हैव नो ड्रेसेस वट डू यू थिंक वट विल बी वट विल आई पुट ऑन माई बैग कि मैं पहनूंगी क्या मेरा ड्रेस कैसा होगा द हजब गॉट द पॉइंट उसे बात समझ आ गई कि शी इज मैर वेरी मच अबाउट द ड्रेस उसने कहा कि यू हैव द ड्रेस जो आपने थिएटर पार्टी पे पहना था एंड यू लुक प्रिटी इन दैट ड्रेस टू मी कि तुम मुझे इस ड्रेस में बहुत प्यारी दिखी थी बट वट हैपन मेटेल्डा स्टार्ट वीपिंग स्टार्ट क्राइंग ओवर दिस दो मोटे मोटे आंसू उसकी गालों से आंखों से निकले और गालों को भिगोने लगे वो रोना शुरू हो गई चूंकि मिस्टर लॉयजल वॉज अ वेरी लॉयल हस्बैंड, वेरी सिंसियर हस्बैंड। वैन ही सॉ द सिचुएशन ही कुरंत बेयर द टीयर्स इन हिज़ वाइफ्स आइज उसने जो फोर हंड्रेड फ्रैंक्स सेव की हुई थी टू बाय हिज राइफल उसने अपनी बीवी को दे दिए उन 400 हंड्रेड फ्रैंक से उसने एक एक्सलेंट एक अट्रैक्टिव ड्रेस तो खरीद लिया लेकिन इस बाल पार्टी में इस डांसिंग प्रोग्राम में उसके लिए आ, साथ मैचिंग ज्वेलरी नहीं थी एंड शी वाज नॉट हैप्पी विद दिस शी वांटेड टू वेयर अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एलिगेंट एंड डीसेंट ज्वेलरी विद इट फिर उसे याद आया कि शी हैज़ अ रिच फ्रेंड मैडम फॉर शी वेंट टू हर एंड शी ब डायमंड नेकलैस फ्राम हर उसके पास गई और उससे हीरो का बना हुआ एक हार उधार ले आई जो उसके ड्रेस के साथ एक फाइन कॉम्बिनेशन था बोथ हजबेंड एंड वाइफ गॉड प्रिपेयर एंड वेंट इन टू द बॉल पार्टी मेटाल्डा वॉज लुकिंग स्टनिंग शी वॉज लुकिंग स्टनिंगली ब्यूटिफुल सो मच अट्रैक्टिव सो मच ब्यूटिफुल दैट एवरीबडी विश टू डांस विद मेटालडा हर एक की ख्वाहिश थी कि हर मर्द जो है और तमाम ऑफिसर्स जो हैं उसके साथ मिलकर डांस करें एंड मेटल्डा वॉज इन सेवन हैवन्स ये उसकी विश थी कि सब लोग उसकी तारीफ करें प्रेज करें और वो पार्टी में एक डिफरेंट और डिस्टिंग नजर आए एंड शी गॉट द डिस्टिंग सीट बाय हर ड्रेस बाय हर ज्यूलरी एंड बाय हर लुक्स बिकॉज सब ने उसके साथ ड्रेस जो है डांस जो करना इवन मिनिस्टर जो है उसने खुद शी गॉट इम्प्रेस्ड बाय मेटल्डा और मेटल्डा के साथ डांस किया Then Jo husband, Mr. Lizel, he has a contented personality. he got bored and tired of this dance party, and he went into the joint room to take rest. but Matilda keep on dancing with officers and ministers throughout the night when at four o'clock in the morning the ball party ended, both husband husband and wife came back to their home at four. But what happened? Ahrida Faja Matilda her eye. अपने आप को आखिरी दफ़ा आईने में देखा सराहने के लिए तो क्या देखती है कि वहाँ पे उसका डायमंड नेकलेस नहीं है उसने फॉरन हस्बैंड को बताया हस्बैंड ने उससे पूछा कि आयुष शोर जब तुमने आखिरी दफ़ा देखा था तो तुम्हारे गले में था शिव शोर के गले में ही था फिर क्या हुआ हस्बैंड जो है जो जाते हैं वो जाते हैं और ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वो हार कहीं भी नहीं मिलता है अब जो है मेटल्डा वो एक लेटर लिखती है अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को कि शी हैज़ लॉस्ट द नेकलेस और वो उसको नो, uh, no, वो कहती है कि आपके नेकलेस की जो पिन है वो टूट गई है, है वो जब रिपेयर होगा मैं आपको दे जाऊँगी वो डायमंड नेकलेस इतने दिनों में ढूंढते हैं और नहीं मिलता आखिरकार वो कहते हैं कि अब उधार लेके डायमंड नेकलेस वापस करना चाहिए क्योंकि हर हाल में वापस करना है वो अपने तमाम जानने वालों से सूद की रकम की मद में उधार लेते हैं और उसी तरह का जो डायमंड नेकलेस है वो बनवा के जो कि छत्तीस हजार फ्रैंक्स का होता है थर्टी सिक्स थाउजेंड का वो देखते हैं एक ज्वेलर की शॉप से और जाके अपनी फ्रेंड को वापस दे के आती है फॉर्चुनेटली उसकी फ्रेंड जो है Uh, बहुत ही साइलेंटली वो डब्बा वसूल करती है खोल के भी नहीं देखती और आराम से अलमारी में रख देती है एंड मेटल्डा वॉज वेरी हैप्पी कि उसकी फ्रेंड ने जो है वो नहीं देखा और उसे नहीं पता चला कि दिस वॉज अ सब्सटीट्यूशन उसका अपना नहीं था लेकिन चेंज हुआ था अब मिस्टर लॉइजल जो हैं उनके ऊपर लोड्स ऑफ डेट आ चुका है मेटेल्डा प्रामिसज एंड डिटर्मस टू हेल्प हिज हजब हर हजबैंड इन ऑल द क्रूशल सर्कमस्टांसिस टू पे ऑफ द डेट मनी दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत मेहनत करते हैं मेटल्डा हैज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क बाय हर सेल्फ सारे मुलाजमों को फारग करते हैं एक बहुत ही मिडिल क्लास एरिए में छोटे से फ्लैट में घर लेते हैं मेटेल्डा बहुत ज़्यादा मेहनत करती है काम करती है अपने घर का सारा काम करती है अपनी सब्जी वेजिटेबल्स हर चीज़ जो है वो ख़रीदती खुद है अब इस तमाम टेंशन में इस तमाम टायर सम डेज में यर्स में वो दस सालों में कर्जा लौटाने में कामयाब होते हैं एक दिन क्या होता है और ये दस साल ये टेन जियर्स डेट हैजैश द ब्यूटी ऑफ मेटल्डा एंड मेटल्डा के पास वो ब्यूटी वो वैनिटी सब खत्म हो चुका है एक दिन बाजार में उसे अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर मिल जाती है जो कि एज इट इज ब्यूटीफुल जो पहले की तरह ही बहुत खूबसूरत है मेटल्डा उसे देख के हैरान होती है और वो मेटल्डा को देख के शॉक हो जाती है बहुत परेशान हो जाती है उसे बहुत मुश्किल से पहचानती है एंड शी सेज से आप ही हैं मेटल्डा क्या हुआ है फिर वो चूंकि अब रकम डेट की वापस दे चुके हैं और उसे हार भी वापस कर चुकी होती है तो वो उसे कहानी बताती है कि इट इज यू ये आप ही, ही हैं जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है वो कहती है हाओ मैं कैसे हूँ फिर वो उसे बताती है कि मैंने आपका हीरो का जो डायमंड नेकलेस लिया था उसे रीपे करने में वापस करने में मुझे दस साल लग गए क्योंकि वो मैंने खो दिया था जबकि मैडम फॉरेस्टी कहती है कैसे खो दिया था आपने तो मुझे वापस कर दिया था अगर से मेटेल्डा सरप्राइज होती है कि अभी तक आपने खोल के नहीं देखा और कभी गौर नहीं किया वो सबस्टिट्यूशन था यानी हमने चेंज किया था बिकॉज जो आपने दिया था डायमंड नेकलेस वो मैंने घुमा दिया था गुम हो गया था बाल पार्टी में एंड वी हैव टू टेक द डेट फ्रॉम ऑल आर फ्रेंड्स एंड फ्रॉम ऑफिस एंड इन दीज टेन यर्स वी हैव टू प्रीपे द डेट और उन सालों में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी और अब जो है इट इज़ एंडेड एंड आई एम वेरी ग्लैड Then Madame Forestier speaks that Oh my poor Matilda, mine was paste. Jo tha, wo to, it was just a copy. not a real diamonds in the. uh, diamonds they or voto copy the original ki. And it was only five hundred francs. This is how Matilda destroyed not only her life but with her hus her husband's also. इस तरह दोनों की ज़िंदगी जो है अपूर ड्रजरी जो वो ख्वाब देखती थी जो वो जीना चाहती थी ना तो उनको हासिल कर सकी बल्कि जिन कंडीशंस में रह रही थी उससे भी बदतर में रहना पड़ा जस्ट अ विश टू लुक सो ब्यूटीफुल सो स्टनिंग एट द कॉस्ट ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ डेट उसे चीज़ों को उधार लेके और अमीरों की तरफ देख देख के उनसे अट्रैक्ट हो हो के और ऐसे ख्वाब जो उसकी आउट ऑफ रीच थे ना वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को प्रेजेंट स्टेट को इन्जॉय कर सकी बल्कि जो और मुसीबतें हैं और और मिजरीज हैं उसने उनको दावत दी और फिर इन द एंड बेचारी बैठ के जब रकम सारी वापस कर देती है तो सोच रही होती है हाउ लाइफ इज़ स्ट्रेंज एंड चेंजेबल हाउ अ लिटल इंसिडेंट कैन रोइन अ मैंस लाइफ कि किस तरह एक छोटा सा इंसिडेंट जो है वह इंसान की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है इन दिस वे शी चेंज फ्राम अ ब्यूटिफुल एंड वेन लेडी टू अ कॉन्टेंटड बट अगली फेस्ट लाइक शी got रैंकल्स एंड शी got वीक एंड शी got लीन बॉडी इन दिस वे बेसिकली हमें राइटर यह समझाना चाहता है कि मेटेल्डा को अपना प्रेशियस वाला नेकलेस तो वापस मिल गया होगा ओरिजिनल वाला लेकिन उसकी जो ब्यूटी थी जो यूथ थी डेट ऑल वेस्टेड अवे इन ऑल दीज थिंग सच अ स्लाइट मिस्टेक वेन यू आर अनहेपी विद योर लाइफ और विद वट यू हैव यू बिकम अन and this thankless nature brings you towards miseries. This lesson is for all of us to understand it and to follow it. In our life, we should take a lesson from Matilda's life and be righteous. इसके जो मेन पॉइंट्स हैं और जो स्टोरी का एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आई होप रीडिंग करने के बाद और ये लेक्चर सुनने के बाद स्टोरी सुनने के बाद आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी Thank you so much.